Hello friends, I am Anand Rajput from CHIPTRONIKS और ये हमारा CHIPTRONIKS ऑफिस है जिसमें मोबाइल स्मार्टफोन रिपेयरिंग आईफोन रिपेयरिंग क्लास होती है और केवल मोबाइल ही नहीं हम LCD, LED, लैपटॉप्स प्रिंटर्स CCTV ट्रेनिंग्स ऑल्सो डिलीवर करते हैं और अब हम आपको दिखाते हैं मोबाइल स्मार्टफोन रिपेयरिंग और आईफोन रिपेयरिंग क्लासेस भी चलते हैं और जो हमारे पास बाहर से स्टूडेंट्स आए हैं उनके बारे में देखते हैं ये हमारे स्मार्टफोन रिपेयरिंग क्लासेस ओके और ही मिस्टर सुदेश हुज डिलीवर ट्रेनिंग्स फॉर स्मार्टफोन एंड आईफोन एंड स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस एंड योर गुड नेम रमेश कमिंग फ्रॉम चेन्नई ओके या योर गुड नेम शकुफुद्दीन कमिंग फ्रॉम उज्बेकिस्तान ओके एंड योर गुड नेम सुदीन कमिंग फ्रॉम तमिलनाडु सलाम तमिलनाडु ओके एंड योर गुड नेम सेल्वा कमिंग फ्रॉम तमिलनाडु चेन्नई तमिलनाडु और ये हमारे पास ओसिया मशीन एम ट्राइंगल जिसके द्वारा हम टच और डिस्प्ले को चेंज करते हैं और ये हमारे पास टच सेपरेटर है इसके द्वारा हम टच को रिमूव करते हैं और इसके टूल्स भी है आपके OCA रिमूवर क्लीनिंग और इससे हम अभी टच रिमूव करना बताएंगे इसका यूज बताएंगे डेमो कैसे होगा और इस मशीन से हम टच और डिस्प्ले लगा के फोल्डर कैसे बनाएंगे वो भी बताएंगे और वैक्यूम से हम बबल्स कैसे रिमूव करेंगे और ये मिस्टर सुदेश also deliver trainings smartphone and iPhone so now we start off how to remove touch from display folders okay Yeah, everyone come and touch. ये कवर इसके ऊपर जो लगा रहता है सिलिकॉन कवर इसके जो मशीन में होल्स होते हैं उसमें हमको मशीन मिलाना होता है उसके बाद ये जो होल्स आपको दिख रहे हैं इसको मैच करना होता है उसके बाद हमने इस पर टच रख दिया हाँ इस पर फोल्डर रख देना है इसमें टच और डिस्प्ले बोथ आर अटैच टू ईच अदर्स और यहाँ पर देखो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है लेकिन अभी वैक्यूम नहीं बना है जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो वैक्यूम बनने लगेगा नाउ स्टार्टेड या वैक्यूम विल बी स्टार्टेड और टच जो आपका फोल्डर है वो मशीन के साथ जुड़ गया है ये आपका आईफोन का फोल्डर है जिसमें साइड में लॉक रहते हैं पहले हमको ये लॉक निकालना पड़ता है और ये अभी हम दिखाएंगे
देखो ये हमारा 92 जैसे 100 पे पहुंच जाएगा, इस पे सेट कर रखा है 100। अब हम इसके डिस्प्ले को टच से सेपरेट करेंगे, यानी अलग करेंगे। जो आईफोन का फोल्डर है उसमें से हम टच और डिस्प्ले को सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे। आईफोन का फोल्डर है, पहले हमको साइड का लॉक लगाना पड़ेगा। उसके लिए पहले हमको वैक्यूम ऑफ करेंगे, इसको हाथ में उठा लेंगे, ये गर्म हो चुका है तो ये साइड से निकल जाएगा आपका। ये टूटा हुआ है इसलिए थोड़ा खराब साफ निकल रहा है। हमारा निकल गया, बट ये कहीं टूटा हुआ इसलिए साइड से भी पूरा डैमेज हो गया है। फिर हम वैक्यूम ऑन कर देंगे और थोड़ी देर हीट होने देंगे। हमको ये साइड से क्यों निकालना पड़ता है, क्योंकि जब हम इसको ये वायर यूज करेंगे निकालने के लिए तो इसमें फंस जाता है, इसलिए हमको आईफोन में निकालना पड़ता है या जिस भी फोन में साइड में लॉक है उसको निकालना पड़ेगा। इस वायर का नेम कितने एमएम की है? 0.6 mm का है। 0.6 mm की है। हार्ड वायर है जिससे हम टच और डिस्प्ले को सेपरेट करेंगे, और जो लॉक लगे हुए थे वो हमने रिमूव कर दिए हैं जिससे कि वायर लॉक में ना फंसे और स्मूथली हम उसको निकाल सकें। ओके, तो देखो हार्ड वायर के थ्रू देखो ये हमारा हार्ड वायर के थ्रू रिमूव हो रहा है। आईफोन में सबसे पहले हमको लॉक ओपन करने होते हैं, इसके बाद टच और डिस्प्ले को सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम लॉक ओपन नहीं करते हैं तो हमारा जो हार्ड वायर है उसमें लॉक में फंसने लगता है। देखो सर, ये जो सेपरेटर है केवल आईफोन के लिए होता है या सारे स्मार्टफोन के लिए होता है? कोई भी स्मार्टफोन हो सभी में सबका सेपरेटर है। हाँ, सबका सेपरेटर है, जिसमें फोल्डर होता है, फोल्डर में से टच और डिस्प्ले को अलग करने के लिए जो होता है वो सेपरेटर होता है। और ऑफ कर देंगे हम, टच डिस्प्ले अलग हो गया। ठीक है, अब इसको क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन करने के लिए उसके लिक्विड होते हैं। हाँ, ये आपका OCA रिमूवर। कौन सा लिक्विड होता है सर? OCA रिमूवर। OCA रिमूवर, हाँ।
हमारा कॉन्टेक्ट क्लीनर। कॉन्टेक्ट क्लीनर सबसे पहले हम जो ग्लू होता है इसके ऊपर वो OCA रिमूवर से क्लीन करेंगे। इसके बाद जो डिस्प्ले साफ करना होता है वो कॉन्टेक्ट क्लीनर के द्वारा करना होता है। इसके बाद ये हमारे कॉटन क्लॉथ होते हैं जिसके द्वारा हम साफ करते हैं। तो ये जो OCA क्लीनर है ज्यादा डेंजर तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखो हमारे इंजीनियर्स उस हाथ से ही करके देखेंगे, आपको वीडियो में आपको सारा क्लियर हो जाएगा देखने के बाद। देखो ये OCA रिमूवर डाला उसके ऊपर और देखो हाथ से ही कर रहे हैं, ऐसा कोई डेंजरस नहीं है। अच्छा अच्छा, टाइम पास कर दीजिए। और इसके लिए स्पेशल कोई कपड़ा होता है क्या? हाँ, कॉटन क्लॉथ होता है जिससे कि उसके उस पर रेसे भी नहीं आएंगे। इसकी क्लॉथ स्पेशल क्लॉथ होता है जिससे कि हम कोई भी ग्लास या डिस्प्ले को साफ कर सकते हैं। और देखो थोड़ी देर बाद हम एक वैक्यूम खत्म हो जाएगा तो हमारा डिस्प्ले भी हो जाएगा। अब इस मशीन को बंद कर देंगे क्योंकि ये हीट हो रहा है। ओके, बंद कर दिया है। इसमें तो बहुत टाइम लगता होगा ये हटाने में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रैक्टिस करते हैं तो आराम से 5 मिनट के अंदर काम हो जाता है। वो तो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है सीखने में। देखो अब हमने कॉन्टेक्ट क्लीनर से देखो साफ किया। अभी हमने OCA रिमूवर से साफ कर रहे थे जिससे ग्लू हट गई। अब देखो कॉन्टेक्ट क्लीनर से साफ कर रहे हैं। इसके बाद हम टच यदि दूसरी लगानी है तो आप नई टच जो टूट गई है ब्रोकन है तो उसको हम नई टच लगाएंगे। इसमें थोड़ा सा केयरफुली आपको क्लीनिंग करना होता है जिससे कि स्क्रैचेस ना, सॉफ्ट कपड़े से।
ये हमारे पास टूल्स, स्पीयर्स, हेलो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि हमने टच और डिस्प्ले को कैसे सेपरेट किया है। अब हम टच और डिस्प्ले को कैसे लगाएंगे वो आपको दिखा रहे हैं। तो देखो, हमने जो डिस्प्ले निकाली थी वो हमने क्लीन कर ली है और इसमें एक टच को हमने क्लीन कर लिया, कल टच हमने दूसरा लगाया और अब हम इस पर एक पेपर लगाएंगे, ठीक है। और कैसे लगाएंगे वो आपको सारा एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। हल्का सा साफ कर लीजिए, हाँ, टैंकी लेके लास्ट को, ताकि कोई डस्ट वगैरह ना रहे इसमें। इसमें डस्ट क्लीन करना है, इसके बाद इसमें ओसीए पेपर लगाना है। ये आपका ओसीए पेपर, ये आते हैं, इसमें बहुत सारे साइज के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज के। और तो ये है, ये आपका ओसीए पेपर होता है, सबके साइज अलग अलग होते हैं डिस्प्ले के अकॉर्डिंग। और देखो, ये ओसीए पेपर हम लगाते हैं, स्कूल से रिमूव करें, हाँ, ओसीए पेपर से ओसीए पेपर, इस पेपर को एक रोलर के, यूज ऑफ रोलर, मतलब एक रोलर की सहायता से हम इस पर लगाएंगे। बबल्स नहीं आना चाहिए, देखो ये रोलर्स, ये देखो लगा दिया, बबल आ गया, हमारे मशीन से निकल जाएगा। जो बबल्स आ जाएंगे वो हम मशीन से निकाल देंगे, जो ओसीए मशीन होती है उससे निकल जाएगा। टच इसका एक साइड निकालेंगे ग्लू का, सीधे हम इसको रख देंगे इसे। इसका हमको डाई भी आता है, डाई भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप सेट के थ्रू इसको लगा सकते हैं। तो इसको हम ओसीए मशीन के, ओसीए मशीन से लगाएंगे। सबसे पहले मशीन को ऑन करेंगे, अब साइड में मशीन ऑन हो गई है,
ट्रे है, ट्रे में हम रखेंगे और रखते समय ध्यान रखें कि जो फ्लेक्स है वो सीधा रखा जाए, मुड़ा नहीं, मुड़ेगा तो ये क्या होगा, फ्लेक्स खराब हो जाएगा। हाँ, इस चीज का विशेष ध्यान रखें क्योंकि जो आपका FFC केबल्स होती है उसको यदि आपने बैंड आ गया है तो बैंड की वजह से वो फ्लेक्सिबल केबल जो FFC केबल है वो खराब हो जाएगी, ब्रोकन हो जाएगी, तो इसका विशेष ध्यान रखें। इसको पूरी तरह से दबा के प्रॉपरली बंद करते हैं, अगर प्रॉपरली बंद नहीं होगा तो ये छत काम नहीं करेगा। और नाउ वी स्टार्टेड, यहाँ अब देखिए यहाँ पर जो पंच करेगा, यहाँ पर ये आपको डिस्प्ले पंच करेगा। यहाँ पर देखो इसका स्टेटस दिख रहा है, जो डिस्प्ले है इसमें टाइमिंग्स, कितना टाइम है, कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है, तो ये आया, ये पंच। पूरा प्रेस कर दिया इसने, यहाँ पर देखो टाइमिंग चल रहा है, देखो ये आपका देखो 17 सेकेंड, 18 सेकेंड, 19 सेकेंड, 20 सेकेंड, यहाँ से टाइमिंग चलेगी। देखो ये अब हो गया और हमारा ये लग गया, अब हम इसको निकालेंगे। और इसके ऊपर जो बबल्स होते हैं, बबल्स को रिमूव करने के लिए, देखो ये बबल्स जो आ गए हैं ये उसको रिमूव करने के लिए, देखो ये एक मिनट, ये आपका साइड में होता है। हाँ, ये बबल रिमूवर है, बबल रिमूवर हम इसे घुमा के अनलॉक करेंगे और इसमें हम रख देंगे। ओके, ठीक है, उसको हम ढक्कन लगा देंगे, लगा देंगे। और यहाँ पर दो स्विच होंगे आपके, थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये होल है और ये पे ये थोड़ा सा पिन है, अगर ये जो होल साइड में पिन अटक जाएगा तो ये मशीन काम नहीं करेगी, तो लगातार किया ध्यान रखिए कि जो पिन बीच बीच में रहे, इस तरह से वो ऊपर आ जाए। अभी कहने का मतलब है ये पिन जब स्टार्ट होगा तो ये पिन लॉक कर देगी, ऊपर पे ओपन कब होगी इसको लॉक कर देगी, इससे कोई इसको ओपन ना कर सके। ओके, देखते रहिए। हाँ, और इसमें आप देखें, देखो ये इसमें दो स्विच दिए हुए हैं, एक आपका स्टार्ट का और एक स्टॉप का, ठीक है ना। और ये आपका प्रेशर है वैक्यूम का, ये प्रेशर कितना है वो सबको दिखाएगा। अब देखें जैसे हम स्टार्ट करते हैं, अब देखो उस पिन पे ध्यान दे, पिन अनलॉक होगी, देखो स्टार्ट किया है, अब पिन पे ध्यान दे, ये लॉक, ये होगी लॉक। अगर वो लॉक अटक जाएगा तो आप सही रहेगा, काम नहीं करेगा, यदि ये लॉक प्रॉपर से नहीं लगेगा या उस पर सही से उसको नहीं लगाया तो आपका मशीन काम नहीं करेगा बैठे। और यहाँ पर ये टाइमिंग चलेगा, ये आपका 10 मिनट्स के लिए, यहाँ पर देखो प्रेशर भी, देखो प्रेशर शो हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी टाइमिंग्स आ जाती है, देखो ये आप देख रहे हैं, इसमें टाइमिंग्स आपकी दिख रही 27 डिग्री 28 डिग्री टेम्परेचर है और टाइम के आगे लिखा है जीरो, और ये आपका 10 तक चलता है, मतलब 9 जाता है, 9 के बाद जीरो हो जाएगा, इसके बाद आप ऑटोमेटिकली मशीन ऑफ हो जाएगी। देखो 1 मिनट हो गया, ठीक है ना, इसी प्रकार 9 तक जाएगा, 9 के बाद जीरो हो जाएगा ये, और आपका बैक जो हम बबल्स रिमूव कर रहे थे वो आपके रिमूव हो जाएंगे। ये हमारा प्रोसेस था और हमको थोड़ा सा 10 मिनट का वेट करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर प्रोसेस चलता रहेगा।
देखो 2 मिनट्स हो गए, ऐसे ऐसे 9 मिनट तक जाएगा, इसके बाद प्रोसेस होता है। ओके, तो आपने हमारा वीडियो देखा और आप लोगों ने हमारा मशीन्स के बारे में ट्रेनिंग्स ली इसके बारे में, और कोई भी मशीन्स के बारे में कुछ पूछना चाहता है, इफ एनी डाउट फॉर मशीन्स देन आस्क मी फॉर द ट्रेनिंग्स। ओके, क्लियर? ओके, बस थैंक यू ऑल ऑफ यू। And one more is a magnifying glass for PCB holders. This one OCA papers and touch display separator and rollers. And contact cleaner, OCA remover and cleaning solution, and this silicone spray for cleaning purpose, and this is a vacuum puller, जिससे कि हम डिस्प्ले या कुछ को वैक्यूम के थ्रू पिक करना है तो हम उठा सकते हैं, लाइकेज और टाइम्स 4 मिनट हो गए हैं। ये आपका इमरजेंसी स्टॉप है, क्लासरूम फॉर स्मार्टफोन एंड आईफोन रिपेयरिंग। OCA वर्क स्टेशन, और ये हमारा रिसेप्शन एरिया, हमारा ऑफिस,
हमारा टूल्स एंड एसेसरीज सेवन मिनट कंप्लीट हो गए हैं, 3 मिनट आर रिमेनिंग। नाइन मिनट विल बी कंप्लीटेड एंड 1 मिनट रिमेनिंग। Down. And pin will be unlocked. देखो, देखिए, ये हमारा bubbles चला गया और ये हमारा process होता है जो कि थोड़ा सा ऐसा turn करूँ। हाँ, ये हमारा प्रोसेस होता है जिससे कि हम टच को डिस्प्ले में लगा देते हैं। यानी यदि आपका टच ब्रोकन है तो पूरा फोल्डर चेंज करने की जरूरत नहीं है और उसको हम OCA मशीन से दोबारा से टच लगा सकते हैं डिस्प्ले में। ओके।